हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम मनी सिंह, यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए सेकंड टाइम मैं बना रहा हूँ। पहले भी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो डिलीट हो गया था, तो फिर से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो गाइस, इसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इन सभी के लिए आपको फॉर्मूलेज होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला जानना। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ेंगे, बेसिक हम सबको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। तो पहले तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं आपके लिए, और कुछ विधियाँ हैं जिनसे आप यहाँ पे समाकलन करने वाले हैं। तो उन सभी को आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ लोगों को ये सब चीज़ें पता हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए, सबसे कॉमन फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन आप जब भी करते हैं तो कुछ भी फंक्शन होता है, जैसे एक्स की पावर 1 है, 2 है, तो मान लेते हैं कि एक्स की पावर एन है, तो उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो उसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सी यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स की नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, माइनस 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वो सब आपको बाद में समझ में जाएगा। तो बस आप इतना याद रख लीजिए कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। उसके बाद अगर आपको ई की पावर एक्स का फॉर्म करना हो डेरिवेशन, सॉरी डेरिवेशन नहीं, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपका ई की पावर एस हो जाएगा, और जो आपका डेरिवेशन होता है ई की पावर एक्स का, वो भी आपका ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, लॉग ई की पावर एक्स। और यहाँ पे अगर लॉग ई की पावर एक्स का मैं समाकलन ना करके अवकलन करूँ, तो इसका अवकलन हो जाता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि समाकलन अवकलन का जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में कि साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, अगर साइन एक्स का समाकलन करूँ तो होगा माइनस कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स का समाकलन करूँ तो क्या होता था, माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का समाकलन करूँगा तो माइनस कोस एक्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों को ध्यान में रख सकते हैं, जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के। नेक्स्ट है कि कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, कोस एक्स का होगा साइन ऑफ एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, यानी कि ये तो अवकलन का बता रहा हूँ मैं, ये समाकलन का है, साइन कोस एक्स का समाकलन होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का जो आपका अवकलन होगा वो होगा कोस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन होता था सेक स्क्वायर एक्स। तो यानी कि जिसका जो अवकलन में जो आपको उत्तर प्राप्त होता था, उसका अवकलन समाकलन करने पे आपको उसका क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, बात कहने को यही है। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स। उसके बाद मैं कहूँ तो यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, और नेक्स्ट इस तरफ है आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कोट एक्स, माइनस का ध्यान रखना है स्पेशली आपको। उसके बाद है कोसेक एक्स कोट एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सी आपको समाकलन में जोड़ना ही होता है, कॉन्स्टेंट नियतांक होता है एक। उसके बाद है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का अवकलन होता था वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट वन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी का अवकलन अगर हम समाकलन करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका हो जाएगा कोट इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट है आपके पास में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपके पास में है वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, वो तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैं फटाफट बता देता हूँ, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना फिर से देख के, ए की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा इसका ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए की पावर ए प्लस सी। उसके बाद है आपके पास में कोट एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में इस तरफ है माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो इसका कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसका अगर आप कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन करते तो आपके पास में यही प्राप्त हो जाता है। तो बस ये ध्यान रख लेना, टेन एक्स डी एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये भी होता है फॉर्मूला, टेन एक्स डी एक्स के और कोट एक्स डी एक्स के दो दो फॉर्मूले होते हैं, एक पहले बता चुका हूँ, ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है कि sec x dx का क्या हो जाएगा, तो sec x dx हो जाएगा log of tan pi by 4 plus pi by x by 2, तो आप इसे याद ना रख के सिर्फ ये याद रख लेना, log sec x plus tan x। उसके बाद है sec cosec x dx का हो जाएगा यही log of tan x by 2, तो इसे ना याद रख के आप ये याद रख लीजिएगा, यही ज़्यादा यूज होता है,
माइनस लोग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है, या आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस चिन्ह को ना दिखा के लोग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, यहाँ पे अगर माइनस नहीं लगाना चाहते तो ये डायरेक्ट ये याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपके पास में कि डी एक्स, सिर्फ डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा, एक्स की पावर 0 इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, तो यहाँ पे इसका मैं करूँ इंटीग्रेशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो एक्स की पावर 0 प्लस 1 यानी कि एक्स की पावर 1 अपॉन 1 यानी कि एक्स हो जाएगा इसका, यानी कि डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में है कि के डॉट एफ एक्स डी एक्स, यानी कि कोई भी कॉन्स्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस फंक्शन में जो कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले लिया जाता है और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया 3x² dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो 3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए, x² dx का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² dx को करेंगे तो 3x³/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे तो आपके बाद ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, x³ आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि अगर आपको यहाँ पे इस प्रकार से 3 फंक्शन या 2 इससे ज़्यादा भी दिए गए हों, यू वी डब्ल्यू और इनका अलग अलग dx दिया गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे आपको 3 sin(x−4cos(x)+5sec²x−2cos(x) यहाँ पे दिया गया है, तो आप अलग अलग से कॉन्स्टेंट जो भी हैं इनको तो सबको बाहर ले लीजिए और अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए। साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा 4 cos(x) dx हो जाएगा, उसके बाद 5 sec²x dx हो जाएगा और cos(x)²x dx हो जाएगा, तो साइन एक्स का हो जाएगा -cos(x), तो यहाँ पे 3 × −cos(x) हो जाएगा। उसके बाद है -4 पहले से है cos(x) का हो जाएगा -sin(x) हो जाएगा cos(x) का, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद 5 sec²x का 10x हो जाएगा, -2 cos²x का -cot(x) हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह को खत्म कर देंगे यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, तो उसके बाद इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ सिंपल ट्रिक्स थे आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में कुछ मेथड्स हैं जिसके तरह से भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 3 मेथड हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो ये है फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यानी कि रूपांतरण विधि, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, और बाई पार्ट्स यानी कि खंडशः विधि। तो तीनों विधियों में क्या होता है, ये सबसे पहले थे पहली विधि यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में है कि इस विधि से समाकलन करने के लिए गणित के सामान्य नियमों का प्रयोग कर समाकल यानी कि इंटीग्रेट के रूप को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाता है कि समाकलन सामान्य नियमों के सूत्रों का प्रयोग समाकलन किया जा सकता है। देखिए कहने का मतलब यही है कि इसका कि आपके पास में कोई इंटीग्रेशन दिया गया है और वो इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें हम क्या करते हैं कि अपने तरीके से उसे इस प्रकार से सेट कर लेते हैं, अपने फॉर्मूलेज कुछ लगा के कि वहाँ पे उस इंटीग्रेट को इस प्रकार चेंज कर दे कि उसका समाकलन डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाए जो फॉर्मूले हमें पता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार है कि tan²θ dθ, तो यहाँ पे आपको tan²θ का डायरेक्ट समाकलन नहीं पता है, तो आप एक फॉर्मूला आपको ये पता होगा कि sec²θ−1 = क्या होता है tan²θ, तो आप इसे ये लिखिए, अब sec²θ dθ इसे अलग अलग लिख देंगे और dθ, तो sec²θ का हमें पता ही है क्या होता है tan θ, और dθ का हमें पता है कि θ होता है, तो tan θ−θ + c² का समाकलन हो जाएगा। तो इस विधि का मतलब यही था। उसके बाद एक और क्वेश्चन से हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे है कि √1 − sin²θ, अब इसका डायरेक्ट तो हमें कुछ पता नहीं, तो कुछ प्रतिस्थापन यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin²θ + cos²θ, क्योंकि इसका मान भी क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद sin²θ का फॉर्मूला पता होगा आपको, −2 sin θ/cos θ होता है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब ये पूरा फॉर्मूला क्या कर रहा है, cos θ − sin θ² को ही प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, अब ये √² से खत्म हो जाएगा, बच गया क्या cos θ − sin θ, cos θ और sin θ का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो अलग अलग कर लीजिए cos θ और sin θ। उसके बाद cos θ का क्या हो जाएगा sin θ, और माइनस जो आपका sin θ है इसका −cos θ, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यह cos θ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, इसका मतलब मैं यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कोई भी फलन आपको दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए, उसमें एक से अधिक चर अवेलेबल हैं, उनका आप एक साथ अवकलन नहीं समाकलन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए कि कोई भी अचर प्रदर्शित कर दीजिए वहाँ पे, उसकी जगह मान लीजिए प्रतिस्थापित कर दीजिए। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखिए sec²(2x+3dx), अब यहाँ पे sec²(2x+3dx) इसका डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए कि जो 2x+3dx है इसके जगह आप मान लीजिए कि 2x+3 की जगह z है, ज़रूरी नहीं है आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको इसे वापस से भी लिखना पड़ेगा, तो
देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसका क्या कीजिए, आकलन कीजिए। तो यहाँ पे इसका 2x का करेंगे तो 2 और dx ये हो जाएगा, ठीक है, उस साइड में dz हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको dx की जगह भी मान चेंज करना होगा जब भी आप प्रतिस्थापित करो, कि ये नहीं है कि अब यहाँ पे तो x था तो इसके लिए dx आ रहा था, लेकिन अब जब z रख दिया तो उसके लिए dz आना चाहिए, तो dz का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। तो dz का मान यहाँ पे dx की जगह आप क्या रखेंगे, dz बाई 2। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट में रख दीजिए, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, इसको जेड मान लिया था जेड और डी जेड बाई 2, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा, sec स्क्वायर जेड डी जेड हो जाएगा। तो sec स्क्वायर जेड का हमें डायरेक्ट पता है कि 1/2, तो ये पहले से बाहर है, इसका क्या हो जाएगा tan जेड। अब जेड का वैल्यू आपको वापस से रखना है, तो जेड क्या माना था 2x+3, तो ये 2x+3 वापस रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/2 tan 2x+3, ठीक है। तो ये विधि इसी प्रकार से प्रदर्शित करती है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। साइन ऑफ √x/√x dx, उसके लिए मान लेते हैं कि √x को यहाँ पे जेड मान लिया, तो यहाँ पे आप इसका अवकलन कीजिए, अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 √(x, dx), और इसके लिए जो ये जेड था इसका हो जाएगा डी जेड। यानी कि हमें क्या मानना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं कि 1/√(x, dx), यहाँ पे ये यह है, इसे हम लिख सकते हैं 2dz, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 1/√(x, dx), तो यह हो गया आप 1/√(x) नीचे है और dx, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की जगह हम क्या लिखना है, 2dz रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या था, साइन ऑफ 2dz, क्योंकि इसकी जगह तो हमने पूरा क्या मान लिया, 2dz मान लीजिए हमारा फंक्शन था, इसकी जगह हमने देखिए ये 1/√(x) और dx, इन तीनों की जगह हमने 2dz मान लिया, तो साइन जेड और 2dz हो जाएगा। 2 को बाहर ले लीजिए, साइन जेड का हम अवकलन समाकलन कर लेंगे, ठीक है। साइन जेड का क्या हो जाएगा, माइनस कोस ऑफ जेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में 2 था तो 2 उसको पहले रख लीजिए, और जेड की वैल्यू हमें आप वापस रख देंगे, जेड की वैल्यू क्या थी, -√(x), तो आपके पास हो जाएगा -cos√(x), सॉरी, क्योंकि √(x) मैंने माना था, उसके आगे 2 था तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट है कि खंडशः विधि यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इस विधि में क्या होता है कि इस मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब समकाल यानी कि इंटीग्रेट दो फलनों के गुणनफल के रूप में हो, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू और वी के रूप में दो फंक्शन है, तो यहाँ पे एक ही साथ इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हम इस विधि का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि यू को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, उसके बाद वी का अवकलन कर समाकलन कर देते हैं माइनस, फिर उसके बाद यू का अवकलन करते हैं और वी का समाकलन करते हैं और उस पूरे का फिर से समाकलन कर देते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा होगा कि यू किसको माने, वी किसको माने, यानी कि फर्स्ट सेकंड किसको माने, तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है यू वी डब्ल्यू, यानी कि यू प्रथम फलन के रूप में किसे ले, इसके लिए हमें एक आइलेट सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब ये आइलेट क्या होता है, आइलेट का आई का मतलब होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब होता है अल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक्स ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको पहले ये दो दिया गया है, एक आई दिया गया है एक ए, यानी कि इनवर्स सर्कल फंक्शन दिया गया है, एक अल्जेब्रिक फंक्शन, आपको इनवर्स को पहले मानना है उसके बाद अल्जेब्रिक को मानना है, या आपको ये दो दिए गए हैं तो आपको लॉगरिथम को पहले मानना है ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में मानना है, तो इस हिसाब से आपको मानना है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन में हम देख लेंगे कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया कि इस प्रकार हो कि e^(x(f(x)+f'(x), इनकी ये तो आपका फलन दिया गया है, ये उसका अवकलन दिया गया, एक साथ दिए गए हों, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि e^(x(f(x) इसका डायरेक्ट समाकलन भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे या कुछ ट्रिक्स थी आप लोगों के लिए कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और अच्छी ट्रिक्स से भी करवाऊंगा, और जो भी आपके क्वेश्चन आने लायक हैं वो सभी हम कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच अगेन, सी यू सून गाइस, थैंक यू।